राम राम बे सारे बहन भाइया ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत अच्छे होंगे बे। 12 बज लिए हैं और हम दोनों सासू बहू सुमित रोहतक जाने की तैयारी कर ली है हमने। अचानक ही प्लान बन गया, पहले सुमित मना कर रहा था कि आज मैंने टाइम ना लगा, कुछ काम है, फिर ईव बोला है 11 बजे कि वो आज मेरा काम नहीं होगा, चलो चलते हैं। कविता ने बैंक का काम है और हमने एक दो काम और है, नायरा की माँ के लिए, दीपिका के लिए कुछ कपड़े लेने हैं सर्दियाँ के, जैसे कविता पाया कर उस टाइप के। तो देखते हैं अगर टाइम मिला तो बैंक में कितना टाइम मिलेगा, काम होगा कि नहीं होगा। न्यून कविता ने मशीन भी लगा दी थी, जान का प्लान था नहीं, क्या करें फिर अचानक से बन गया, बंद कर दिया ना कविता। तो चलो बे क्या क्या लिए क्या आवांगे दिखाते हैं, कुछ शॉपिंग होगी कि ना होगा पता नहीं, चलो चलते हैं। आ जाओ आप सब भी, लेकर चलो रोहतक की मार्केट। साइज क्या चाहिए मैडम जी? 4 साल के गुड़िया के, फिर क्या हो गया? फिर रुको भैया, नीचे की पैंट और शर्ट है इस टाइप में, शर्ट पैंट चाहिए थे, वो पजामी इसी कपड़े में है, इस कपड़े में नहीं है आंटी, और जैसे कलर कपड़े मिल जाएगा, कोई सर पैंट आ जाएगी बस 650। नहीं वैसी नहीं, हमें तो ये सर्दी के चाहिए। कोई बात, ये क्या, ये फिरोक है सारे? ये भी है साइज छोटा बड़ा में सब मिल जाएगा ना? ये नहीं, ना इसका ही। ये कपड़ा जो, ये कपड़ा ये लास्ट है जी, पीस देखता हूँ कोई अगर मिल गया तो। नमस्ते नमस्ते, जीती रहे खुश रहे। देखा मिलना लिखा हुआ था आज, सीजन ऑफ में खरीदा है या सर्दियाँ की चीज है? आप भी ले रहे हो, सस्ती मिलेगी और शॉपिंग ही सीजन ऑफ में करनी चाहिए। रूबी का सूट तो दे दे, कदे उन्ने भी ले जावे। कविता का बर्थडे, इस पर चला भी नहीं जाता, शॉपिंग की लाग रही है, टांग तोड़वा रही बैठी है। ये देखियो लो बे, ईब दिखाऊ मैं, हम के शॉपिंग करके ले आए रोहतक से, आए तो मां 8 बज गए थे, हम नाते हो ना 8:30 हो गए होंगे नहीं कविता, 8:30 बजे 8:45 के करीब आए, क्योंकि गए हम लेट थे। तो पहले दिखा दियो हूँ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को, कि हम के चीज लेके आए। देखो हम स्पेशली लेने तो ये गए थे, बाकी कविता ने बैंक का काम था, काम हो गया था जल्दी, और फिर हमने ये वाली शॉपिंग करी बे। और ये लेके आए हम कविता के लिए, जो यह पिंक वाला पहनने करे ना, इसी टाइप है, बल्कि इससे भी मोटा लगा है, बाकी पहरे पाछे बेरा पट्टेगा। और ये इसका नाइट सूट है, मतलब देख ये पजामा है, और ये ऊपर जैकेट थी चैन वाली, ये दीपिक ये सॉरी कविता के लिए। दिखाती हूँ कितनी सारी शॉपिंग करके लाए हमें। शॉपिंग करते करते कविता की फ्रेंड आ गई थी, क्योंकि वो उसको सूट देना था, हमने सूट लिया था उसने कविता के जैसा, वो भी आ गई थी। फिर मारी शॉपिंग देखने के बाद फिर उसने भी खरीदे वे 2 ड्रेस उसने भी ली फिर। और ईव की बात तो कविता मन ने भी दिवा लाई, बोली मम्मी आप ये पहना करो घर में। ये देखो ये मैं मेरे लिए लेके आई हूँ, ये ऐसे घर घर में पहनन के है, ये अंदर अंदर पहनन के बाहर पहन के जाऊंगी। ये देखो ये पजामा है, ऐसा सा इस टाइप सी का एक पजामा मैं पहनती हूँ घर पे, वो भी बहुत अच्छा है गरम, मतलब उस वो पहन के कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला इतना गरम रहा है,
वो पजामा मैं यहाँ गुड़गांव की मार्केट 23 मार्केट से लेके आई थी 350 रुपए का। और फिर आप लोग रेट पूछोगे, ये वाले हमें अभी ऑफर में भी 800 रुपया के मिले हैं, ये वाले 800 रुपए के मिले हैं। और यहाँ थे ये गुड़गांव, हमने रेट पूछे थे उस दिन, मैंने तिब्बत मार्केट की वीडियो डाली थी, तो 1250-1200 यहाँ रेट बोल रहे थे। और भी अगर कम भी करेंगे, मान ले वो ऑफर भी दे देंगे, तो 1000 तो नीचे ना देवे। तो हमें ये मिल गए यहाँ रोहतक में। रोहतक में भी बहुत अच्छी चीजें मिले हैं, कभी खरीद के देखना। ये केला रोड से लेके आए हुए हमें, और दिखाती हूँ मैं अपनी, दिखाती हूँ पहले मैं लेके आई एक ये वाली आग बाजू की स्वेटर दे। ये देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर कलर देखो कितना प्यारा है। ये देखो वैसी तो फुल बाजू की तो मेरे पास काफी है, लेकिन हाफ बाजू की मेरे पास दो ही थी, तो मैं ये वाली हाफ बाजू की लेके आई। हल्की ठंड में सही काम देऊंगी, बागे एक दो शादियां भी हैं फरवरी में, तो तब दे देंगे ये काम। अच्छा ये कविता के लिए लेके आई, देखो जीन्स के ऊपर डालन के लिए, ये वाली जर्सी की जगह भी पहन सके है, जैसे आप जर्सी पहना कर दे जीन्स पे पहन सके है, इसी में सेम ये दीपिका के लिए लेके सेम है, दोनों आती थोड़ा थोड़ा कलर में थोड़ा थोड़ा डिजाइन में अंतर है। अच्छा और ये कविता एक अपना ये वाला ट्रैक सूट लेके आई ब्लैक कलर का, बाकी आप लोगों को वो लोग में पहने दिख जाओगी, वाह कैप वाला है ये, ये देखो ये अच्छे कैप, ये नाम है पहले धोवांगे और फिर पहनने शुरू करांगे। ये पजामा ये थोड़ा सा मतलब उनसे ज्यादा मोटा को ना, जो कविता एक रेड पहना करा ना घर में उस टाइप के हैं भैया। ये था हमारी शॉपिंग, ये मैं दिखाती हूँ दीपिका की और नायरा की शॉपिंग, क्योंकि अगले महीना दीपिका आवेगी तो फिर अप्रैल में गुड़िया ने लेकर जाओगी, तो उसके लिए लेके आए हमें। ये देखो भैया ये उसके लिए भी मोटे वाला ले आई हम एक, ये मैरून कलर का कैप वाला, ये और ये चीजें ना सीजन ऑफ में ही लेनी चाहिए, क्योंकि सीजन के टाइम तो इनके रेट बहुत ज्यादा बोलिया कर रहे हैं, सीजन ऑफ में ये आपको डिस्काउंट में मिल जावे है, तो ये के खराब हो है इनको हम अगले साल पहन सका है, वह तो चली भी ले जाऊंगे आऊंगी जरूर। ये ऊपर का था ये नीचे का मैरून कलर, मैरून कलर। और एक दीपिका के लिए ये लेके आई कविता पहना करे ना जो रेड कलर का, घर में आप लोग वो लोग में देखते हो ये वाला लेके आए, रेड कलर है ये देखो, ये कपड़ा है वेलवेट सी टाइप में होता है ये गबरून सर्दियों का ही, ये पजामा है, ये ऊपर का टॉप है वो कैप वाला था, ये बना कैप वाला है भाई। और अब मैं दिखा देती हूँ नायरा की ड्रेस, ये देखो कितनी सुंदर है ना नायरा की भी, वो बहुत चिकनी चिकनी सी, ये देखो वहां पे जैसे बाहर कनाडा में बाहर निकले है ना, जब वहां के लिए तो बहुत ये हो है हैवी कोट, ये वाले कोट अपने काम देवे को, लेकिन जब घर में रहा है ना घर में हल्की हल्की, जैसे वैसे तो सेंट्रलाइज वो हीटर वगैरह होते हैं वहाँ, लेकिन फिर भी घर में हल्का हल्का ऐसे पूरी बाजू की पहनने की जरूरत पड़े है, तो दीपिका बोल रही थी मम्मी एक आधी ड्रेस ऐसी ले आना कि अंदर अंदर पहने रहो, बाहर जाओगे तब तो वो भारी कोट उन्हें लेने ही पड़ेंगे, लेकिन घर के लिए लेके आया हमें, बाकी और कुछ जरूरत होगी तो पूछ लेंगे फिर ले आवेंगे। ये नायरा की पजामी है, दो ड्रेस हम लेके आए नायरा के लिए, ये देखो एक ये वाली है कैप वाली, कितना प्यारा कलर है ना, क्यूट क्यूट सा पिंक कलर बहुत सुंदर कलर है इसका भी, जेब वाली है ये, जेब है देखो यहाँ बहुत सुंदर है। बाकी आप बताइयो भाई हमने तो सुंदर लगे हैं जब हम लेके आए हैं, ये देखो। और ये सब शॉपिंग करने के बाद कविता की फ्रेंड की भी ने भी थोड़ी सी और शॉपिंग करी, ये सब शॉपिंग करने के बाद फिर हम गए गांव में
और गांव में तो हमें आधे घंटा ही रुके होंगे क्योंकि लेट हो गए थे, अंधेरा हो गया था, तो फिर इसलिए फिर 9:45-7 बजे के आसपास शायद हम गांव में से चले थे और 9:45 के करीब हम पहुंचे हुए। तो ये वाली शॉपिंग करके ले आए हमें कल, बताइयो आप लोग कैसी लगी। चलो भाई आगे मैंने जराब की वीडियो डाल रखी है, कई बहना के कमेंट आ रहे थे कि वो जराब सिलनी कैसी है बहन, थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो मैंने एक जोड़ी जराब और बना दी है, उसकी वीडियो आओगी भी आगे, और कई दिन हो गए थे वो लोग डाल दे। चलो भे मिलते हैं अगला वो लोग में, राम राम सबने, खुश रहा करो हमेशा, राम राम। लो बे एक जोड़ी जराब और बना दी है मैंने, देखो ब्लैक और ये पिंक कलर की, देखो बहुत सुंदर, ये सिलनी सिलनी रहेगी वे, देखो ये न्यू सिलिया करे हैं किसी ने ना बेरा, वो यो गुट्ठा न्यारा सिल दिया और ये न्यारी सिल दी उंगली, ये दोनों ने सिलने के बाद और फिर ये भी यो पूरा सिलागा, देखो न्यू पूरा यहाँ से न्यू सिलता 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 यो एड्डी आ गई, एड्डी तो फिर यो सिलता हुआ, और ये जो बॉर्डर बॉर्डर है ना बस यो छोड़ना है आगे, तो यो छोड़ना है बस, बाकी पूरा सिल देना इसको। सिलने के बाद दिखाती हूँ कैसे सिल ली मैंने, ये देखो लो भी देखो बनका हो गई है तैयार, एक जोड़ी जराब और सिल दी है मैंने, ये देखो कती एकदम परफेक्ट आई है, एंकल लेंथ है, स्टार्टिंग में पहनने में थोड़ी थोड़ी टाइट आवे लेकिन धीरे धीरे खुल जाया करे क्योंकि ये बॉर्डर है ना, इसलिए ये देखो आप भी बना सको हो घर पे, बड़ी गर्म रवा है काटने जी भी ना करे।